Hello, everyone, welcome back to my channel. So, I hope you all are well and your examinations preparation must be going well also. So, it's been one month, I was not uploading any video, and today I am here uploading a video for you all. And this video is all about the gymnosperms MCQ questions video. Okay, so in this video, uh, I will provide you 21 questions, 21 most important questions related to gymnosperm, and one extra question uh, for your homework. Okay. So what you have to do, please watch the video till the end. And yes, if you are new on my channel, please subscribe because on this video we, you will get more wonderful and tricky video that makes your study smart, not hard. Okay. So please subscribe and press the bell icon for new update. Okay. Now. सो uh, so, मैंने टेलीग्राम पे इस वीडियो के लिए जैसे मैं यहाँ पर आपको ट्वेंटी क्वेश्चन दूंगी एज आई सर प्रीवियसली तो ट्वेंटी वन क्वेश्चन में से आप कितना करेक्ट करते हो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड येस yes, मैंने टेलीग्राम पे इसके नोट्स ऑलरेडी uh, दे दिए थे मीन जितना मैं जैसे होता है ना ऐसे स्कूल में आप लोग पढ़ाई करते हो पहले रिविज़न करके आते हो उसके बाद फिर एम या फिर आपके टेस्ट लिए जाते हैं तो दिस इज़ अ टेस्ट सीरीज़ जिसको ज्वाइन करनी है आप कर सकते हो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि कौन सा आंसर किसका कितना सै हुआ है और लास्ट क्वेश्चन में जो आपका होमवर्क है प्लीज उसका आंसर तो जरूर बताना जो सबसे पहला आंसर देगा उसका मैं नेम अगली वीडियो में लूंगी एज अ प्रेज ओके उसकी तारीफ करने के लिए ठीक है नाउ हाँ तो बैक टू द पॉइंट मैं ये बोल रही थी कि टेलीग्राम पे मैंने इसके नोट्स आप लोगों को दिए हुए थे ठीक है पहले ही मैंने दे दिए थे वहाँ से आप रिवाइज करके आओगे फिर यहाँ पर आप आकर के क्वेश्चन को आ, करोगे ठीक है तो जिन्होंने टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर से ज़रूर चेक करिए और जा कर के वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ मेरा तो कोई फायदा नहीं है बट आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है ठीक है मैं वहाँ पर आप लोगों को नोट्स एंड ऑल सब अपलोड करती रहूँगी और एम भी बहुत अच्छे से तैयार कराऊँगी एज लेस थ्योरी भी क्योंकि वहां थ्योरी चलेगी और यहां पर आप लोगों को क्या होगा एमसीक्यू तैयार होगा ठीक है सो प्लीज 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 जा करके वहां पर भी कर लो और यहां तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लो ठीक है अब भगभग बंद करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो सो अभी आप लोग को बहुत ज्यादा फोकस होकर के बैठना है और सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को बहुत ही ईमानदारी से देना है ठीक है कोई गूगल वूगल करके नहीं आएगा सीधा यहाँ पर आओ और आंसर भी सुन लेना ठीक है तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो है कि फेनोरो गेम्स विदाउट द ओवरीज आर ठीक है तो फेनोरो गेम्स क्या होते हैं सबसे पहले मैं वो बताना चाहूँगी आप लोगों को तो देखो दो टर्म्स आप लोगों को हमेशा याद रखना है अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हो तो कि क्रिप्टो गेम एंड फेनोरो गेम ठीक है तो देखो यहाँ पे आर छूट गया है तो सी वाई पी लिखा हुआ है देट इज़ सी आर वाई ठीक है तो क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं ना ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें आप लोग को ना हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलेगा मीन्स आप आप लोग को उनका ऑर्गन दिखाई नहीं देगा रिप्रोडक्शन का ओके और ये जनरली अपने रिप्रोडक्शन के लिए ना स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं वहीं अगर हम बात करें फेनोरो गेम्स की तो इनके पास बहुत अच्छा खासा रिप्रोडक्टिव जो इनकी टिश्यू होती है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है और इसमें ना सीड का प्रोडक्शन होता है ठीक है किसका प्रोडक्शन होता है सीड का फॉर्दर रिप्रोडक्शन जिन्होंने बैंथामैन हुकर पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा कि जो फेनोरो गेम्स है उसको बैथामैन हुकर ने दो चीज़ों में क्लासीफाई किया था क्या कैन यू टेल मी कि क्या किया था किसको क्लासीफाई किया था तो किया था कि इसमें जिम्नोस्पम एंड एनजियोस्पम में तो उसी से आपको पता चल जाता है कि जो फेनोरो गेम्स हैं उसमें आपकी दो क्लासेज आती हैं डेट तो इज़ इस जिम्नो इस्पम एंड एनजियो स्पम और जो क्रिप्टो गेम है उसमें आपके तीन आएंगे डैट तो इज थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा क्योंकि आप सभी को पता है कि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा तीनों ही क्या करते हैं अपने लिए रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन करने के लिए स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं वेयर एज अगर हम लोग बात करें फेनो की तो उसमें जो जिम्नोसपम एंड एनजीओसपम्प है दे प्रोड्यूस सीड ठीक है यहां पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है ठीक है फेनोरो गेम्स आपने मुझे बता दिया इसमें दो ऑप्शन मुझे फेनरो गेम के दिखाई दे रहे हैं दैट इज एनजीओसपम एंड जिम्नोसपम लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज कि विदाउट द ओवरी ठीक है बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये विदाउट द ओवरी पूछा है तो बहुत ईजी है क्या है कि देखो आप लोग से मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि किसमें आप लोगों को नेकेड सीड दिखाई देता है बताओ किसमें नेकेड सीड दिखाई देता है मैं तीन तक गिन रही हूँ वन टू थ्री किसी को समझ में आया नेगेट सीड किस में दिखाई देता है आपको जिम्नोस्पर्म में ठीक है वहाँ पर सीड आप लोग तुरंत देख सकते हो आपको ना बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है नेकेट सीड है वहाँ पर ठीक है तो डेट मीन्स कि जहाँ पर नेकेट सीड है कोई क्लोजिंग नहीं है यार कोई क्लोजिंग नहीं है फ्रूट की कोई क्लोजिंग नहीं है कुछ नहीं है दैट मीन्स कि वो क्या हो गए वो हो गए जिमनोस्पम वहाँ पर ओवरीज नहीं है ठीक है और जहाँ पर आप लोग के फ्रूट अच्छे खासे एक शेल में प्रेजेंट है एक सीड जो है वो शेल में प्रेजेंट है तो ये क्या बन जाता है फ्रूट बन जाता है ठीक है तो जहाँ पर ऐसा है वो हो जाएगा एनजियोस्पम्प तो यहाँ वाला आंसर क्या होगा आप लोग के लिए जिम्नोस्पम्प ठीक है तो ये जरूर याद रखना कि क्रिप्टो गेम्स में थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आता है वहीं पर अगर हम बात करें फेनोर गेम्स की तो वहां पर आता है जिम्नोस्पम्प एंड एनजियो ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का मोस्ट जिम्नोस्पम्स आर ठीक है तो मोस्ट जिम्नोस्पम्स मतलब कि मान लो हंड्रेड आप लोग के पास जिम्नोस्पम्प है तो उसमें से पूछेगा कि एटी परसेंट इसमें से क्या है ठीक है तो एटी परसेंट हाइड्रोफिटिक होते हैं या फिर जीरोफिटिक होते हैं या या होते होते हैं या होते हैं हेलोफिटिक तो बताओ आप लोग सो so, देखो हाइड्रोफिटिक और जीरोफिटिक हेलोफिटिक दे आर ऑल अ टाइप ऑफ एडाप्टेशन जो कि प्लांट्स करते हैं और जो फिटिक वर्ड होता है वो हमेशा ही एक प्लांट्स को दर्शाता है जहां पर भी वर्ड फाइट आ जाए फिटिक आ जाए आप लोग को कुछ नहीं दिमाग लगाना है बस याद रखना है कि या दिस इज प्लांट या दिस टर्म इज रिलेटेड टू प्लांट ठीक है हाइड्रोफिटिक हाइड्रोफिटिक मतलब कि ऐसे प्लांट जो आ, किस में रहते हैं जल में रहते हैं वाटर में रहते हैं ठीक है पानी में रहते हैं जीरोफिटिक मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कि डिजर्ट में रहते हैं बहुत ड्राई एरिया में रहते हैं क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है देखो हाइड्रो में नाम से ही पता चला है कि वाटर जीरो में नाम से ही पता चल रहा है ड्राई और या फिर डिजर्ट मीजो में नाम से ही पता चला है मीडियम अकॉर्डिंग टू मैम मैं इसे समझती हूँ कि मीडियम ना इन्हें बहुत ज्यादा कोई एडवर्स कंडीशन इनसे झेली जाती है ना ही इनको कोई ज्यादा फेवरेबल कंडीशन चाहिए इन्हें चाहिए चिलपिल वाली लाइफ ठीक है यार थोड़ा सह लेंगे लेकिन रह लेंगे ठीक है तो ये वाला इनका सिस्टम रहता है और हेलोफिटिक मतलब होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हेलोफिटिक बोलते हैं तो जिम्नो जो होते हैं ना जो जिम्नोस्पम्प होते हैं वो होते हैं जीरो ठीक है हमेशा याद रखना तो करेक्ट आंसर हियर इज़ जीरो फिटिक थर्ड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिप्टो गेम ये क्वेश्चन अगर किसी ने गलत बताया तो फिर समझ लेना मैंने अभी ऊपर अभी आप लोगों को बताया हुआ है तो देखो क्रिप्टो गेम्स इसमें से कौन से नहीं है क्या एलगी क्या ब्रायोफाइटा क्या टेरिडोफाइटा या क्या जिम्नोस्पम तो देखो क्रिप्टो गेम्स मैंने बताया था आपको कि जिम्नोस्पम एंड एनजो है तो यहाँ पर पूछा है नॉट सो so भाई आप लोग को आंसर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिम्नोस्पम और क्रिप्टो गेम कौन कौन से हैं तो एलगी है ब्रायोफाइटा है टेरिडोफाइटा दे आर ऑल क्रिप्टो गेम्स वेयर आर द जिम्नोस्पम एंड एनजो आर द फेनरो गेम ठीक है फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विच वुड यू प्लेस अ प्लांट विच प्रोडयूस सीड बट लैक फ्लावर एंड फ्रूट देखो ये एम्स में क्वेश्चन पूछा है सी पी में पूछा है ए में पूछा है तो ये पूछ सकता है आप लोग के एग्जामिनेशन में तो देखो इसका सीधा सा ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि मुझे ऐसे प्लांट्स का नेम बताओ ना जो सीड तो प्रोड्यूस करते हैं बट उसमें ना ही फ्लावर होता है ना ही फ्रूट होता है तो भाई बहुत ईजी है यार बहुत ईजी है जिम्नो क्योंकि आप एनजीओ इस में आपको फ्रूट एंड फ्लावर दिखाई देते हैं ब्राओवेडा में फ्रूट एंड फ्लावर होता ही नहीं है और सीड भी नहीं होता है क्योंकि जो फंजाई हैं ब्रायोफाइटा है, दे प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर देयर रिप्रोडक्शन और जब स्पोर होगा तो भाई फ्रूट और फ्लावर की तो बात ही खत्म है और एंजो स्पम में फ्रूट एंड फ्लावर होते हैं और सीड भी होता है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो सीड तो प्रोड्यूस करता है लेकिन फ्रूट और फ्लावर नहीं देता है तो उसका आंसर होगा जिम्नो स्पम ओके फिफ्थ क्वेश्चन है ड्यूरिंग एडवर्स सीजन थेरोफाइट सर्वाइव बाई देखो थेरोफाइट इज एक्चुअली ऑल्सो अडाप्टेशन बाई प्लांट ठीक है तो इसका जो एग्जाम मतलब आंसर होगा वो होगा सीड ठीक है तो एडवर्स सीजन में जो थीरोट्स होते हैं वो अपने सीड के द्वारा ही सर्वाइव कर पाते हैं जो सिक्स क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा लिविंग फॉसिल्स है इज इट पाइनस नहीं यार पाइनस तो अभी भी दिखाई देता है कहाँ से लिविंग फॉसिल हो गया ठीक है और जिंगो क्या जिंगो है क्या चलो ठीक है देखते हैं दियोदार या थूजा तो इसका आंसर है जिंगो ठीक है रट लो रट लो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है जिंगो इज द लिविंग फॉसिल्स ठीक है उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन जिमनो स्पर्म्स एंड एनजोस्पम ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है आप लोग के लिए लेकिन चलो हम हैं तो क्या गम है ठीक है फर्स्ट फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो है कि फ्लोएम ऑफ बोथ हैव कंपेनियन सेल क्या दोनों में जो फ्लोएम होता है उसके पास कंपेनियन सेल होती है क्या ठीक है चलो देखते हैं इंडो इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन इन बोथ आई डोंट थिंक सो ठीक है और ओरिजिन ऑफ ओवियूल एंड सीट इज सिमिलर इन बोथ क्या ओव्यूल और सीट की जो ओरिजिन होती है वो दोनों में सेम होती है क्या सिमिलर होती है क्या यार तो मुझे तो देखो तीनों अभी तक सेटिस्फाई नहीं किए बट आई थिंक जो डी क्वेश्चन डी जो ऑप्शन है ना बहुत है लीव एंड रूट तो ये तो भाई बहुत सही बात कही है इन्होंने क्योंकि लीव एंड रूट ये तीनों ही जो होते हैं ना जिमनोसपम और एनजीस्पम में होते हैं क्या नहीं होता है तो क्या नहीं होता है फ्लावर नहीं होता है फ्रूट नहीं होता है ओवरी नहीं होती है जिम्नोसपम में वहीं एनजस्पम में ये सब भी होता है लेकिन अगर हम लीव और रूट की बात करें तो ऑब्वियसली भाई ये फेनोडो गेम्स में आ रहे हैं इनके बहुत अच्छा है इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन है तो ऑब्वियसली जिम्नोस्पम एंड एनजीपम के पास ये वाला होगा सो द राइट आंसर इज डी दैट इज बोथ हैव लीफ स्टेम एंड रूट एथ क्वेश्चन है इन विच क्लास ऑफ द जिम्नोस्म फॉसिल्स आर प्रेजेंट ओके सो इट इज अ टिपिकल क्वेश्चन बट कोई बात नहीं साइकेडोफाइटा कॉनीफेरोटा कौन, uh, जिनोट सॉरी uh, निटॉप सीडा या फिर बोथ ए एन बी तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एन बी जिन्होंने टेलीग्राम पे मेरा नोट्स पढ़ा होगा बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे होंगे और जो नहीं कर पा रहे हो ना तो बस नोट्स आप लोगों को दिया गया है ना तो थोड़ा उधर से निकल करके मैंने वहाँ पे टर्म्स आप लोग को दिए हुए हैं तो उसके टर्म्स के बारे में भी पढ़ लिया करो ठीक बस ऐसा नहीं कि अब वो नोट्स पढ़ के आए और क्वेश्चन लगाने चालू कर दिए नहीं थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ थोड़ा पढ़ो कि अच्छा जामिया लिखा है तो जामिया क्या क्या है उसका भाई खासियत है तो ये चीज़ें भी थोड़ा अपने आप से करो ठीक तो यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी क्योंकि साइकेडोफाइटा एंड कोनी ये दोनों ही जो है ना इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है नाइन्थ क्वेश्चन है आप लोग का जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेटेड इन तो क्या वो सीनो जोइक में हुआ था पैलियो जोइ में हुआ था प्री कैमियम में हुआ था या मीजो जोइक में हुआ था बहुत ईजी क्वेश्चन है पहले जोइक मेरे नोट्स का पहला ही आई थिंक कुछ कुछ दो या तीसरा लाइन होगा यह दूसरा तीसरा तो ये पैलियो जोइक ठीक है टेंथ है आपका जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड नेकेट सीड प्लांट्स बिकॉज दीज लैक अरे यार ये तो अभी मैंने आपको बताया ना कॉटिलीडॉन इंडोस्पम ओवरी वॉल uh, या फिर टेस्टा गलत नहीं बताना ओवरी वॉल ठीक है ओवरी वॉल इज़ द राइट आंसर ठीक है इलेवेंथ क्वेश्चन द रूट ऑफ़ जिम्नोस्पम इज जो रूट होती है जिमनोसपम की वो कैसी होती है तो टैप रूट होती है इसका जो राइट right आंसर है वो है टैप रूट कहीं और जाना ही नहीं है रेड वुड ट्रीक इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको रट लोसिकुइया मैं उस सिकुइया पढ़ती हूँ आप लोग पता नहीं क्या पढ़ते हो ठीक है तो सिकुइया जो है वो जो है उसको रेड वुड ट्री कहते हैं थर्टीन क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म अमंग द फॉलोइंग सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है अभी मैंने एक नेम लिया था ठीक है वो नेम यहाँ पर है तो उसको समझ लो वही है ठीक है हिंट दे रही हूँ मैं तो देखो साइकस पाइनस जामिया या नीटम कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट है जामिया ठीक है मैंने ये नोट्स में नहीं लिखा है बट जामिया मैंने लिखा है वो किस रेफरेंस में लिखा है मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ अगर आप लोगों ने पढ़ के आया वहाँ से तो फोर्टीन क्वेश्चन है फ्रूट आर नॉट फाउंड इन जिमनोसपम प्लांट्स बिकॉज कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है भाई मैंने तो सब बता दिया आप लोग को दीज आर सीडलेस प्लांट दिज आर नॉट पॉलीनेटेड दिज हैव नो ओवरी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन दैम यार थर्ड दे हैव नो ओवरी नो ओवरी वॉल दे हैव नो ओवरीज ठीक है बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं बता चुकी हूँ तो इसका आंसर क्या होगा दे हैव नो ओवरी फिफ्टींथ है इन जिम्नोसपम्प पॉलीनेशन इज एक्सक्लूसिवली बाई मेरे नोट्स का क्वेश्चन है ये ठीक है एनिमल विंड वॉटर इंसेक्ट ठीक है तो इसका आंसर है आपका विंड उनमें जो पॉलीनेशन होता है वो विंड के द्वारा होता है फिर सिक्सटीन क्वेश्चन है जिम्नोस्पम्प डो नॉट हैव क्या ट्री नहीं होती है जिम्नोस्पर्म के पास या फिर श्रब नहीं होते हैं या लाइनाज नहीं होते हैं या हर्ब्स नहीं होते हैं क्या नहीं होते हैं तो दे डोंट हैव हर्ब्स ठीक है तो आंसर इज़ हर्ब्स ठीक है नाइनटीन क्वेश्चन है रेजिन डक्ट ऑफ अ जिम्नो इस्पम इस टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों को नहीं पता होगा इसका जो आंसर है वो है बी डैट इज साइजोजीनियस कैविटी ठीक है और इसके बारे में पढ़ लेना ठीक है खुद से भी कुछ पढ़ो और ट्वेंटी क्वेश्चन है इन जिम्नोज पर्मस पॉल ड्रॉप इज द तो ये ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और आई थिंक ये पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है क्योंकि इतना हैवी नहीं पूछेगा बट हो सकता है पूछ दे क्योंकि जिम पर का ही क्वेश्चन है देख रहे हो तो पॉल ड्रॉप क्या होता है पॉल ड्रॉप एक सिक्रिशन होता है जो कि न्यूसिलस के द्वारा किया जाता है तो वही जो होता है ना वो वो पॉल ड्रॉप बन जाता है ठीक है तो डी आंसर है इसका ट्वेंटी क्वेश्चन का डिस्टेंस ब्रांचेस जाइलम विथ वेजल तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है जिम्नोस्पम का जल्दी से मुझे बताओ सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जॉयम विथ वेजल तो आप लोग को पता है कि जिम्नोस्पम्प में जायलम होता है बट उसमें वेजल्स नहीं होते हैं ठीक है जाइलम वेजल्स एबसेंट होता है तो ये आप लोग का डी जो है वो राइट आंसर है ये था आप लोगों का पूरा ट्वेंटी वन क्वेश्चन और आई होप कि आप लोग को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए जो सबसे पहले मुझे बताएगा एज आई सेट प्रीवियसली कि मैं उसका नेम अगले वीडियो में लूँगी फॉर मोटिवेशन ठीक तो ओनली फॉर द शेक ऑफ मोटिवेशन मैं ये चीज़ करूँगी तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए क्वेश्चन क्या है इन जिमनो इस वर्म्स हाउ मनी मेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस इन ईच पॉल एंड ग्रेन पॉल एंड ग्रेन के द्वारा कितने मेल गैमेट्स बनते हैं अगर हम लोग बात करते हैं जिम ने की तो तो कितने बनते हैं मुझे बताना फोर बनते हैं थ्री बनते हैं टू बनते हैं या वन बनते हैं अगली वीडियो में मैं इसका आंसर भी आप लोग को बता दूंगी ठीक है तो मुझे आंसर जरूर बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्स यू अर लॉट एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आप लोग को अगेन टेलीग्राम पर कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी फिर उसका टेस्ट यहाँ पर आकर के एन के तौर पर आप लोगों से ले लूँगी तो आप लोग का थ्योरी भी मैं तैयार करा रही हूँ एन भी तैयार कर रही हूँ मतलब बहुत कुछ कर रही हूँ ना तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दो ठीक है तो सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर बी हैप्पी बाय बाय